नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उसका अब पटाक्षेप हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस्तीफा दे दिया है और ये भी साफ हो गया है कि वो अब RJD को छोड़कर BJP की नाव में सवार हो गए हैं। आखिर बार बार नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद एक बार फिर से BJP नीतीश कुमार के साथ क्यों दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर BJP की ऐसी क्या मजबूरी है जो बार बार नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो जाती है। दरअसल BJP की ये सारी कवायद साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 400 सीटों को लेकर है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी का यह मानना है कि नीतीश कुमार के फिर से साथ आने से निश्चित तौर पर NDA गठबंधन को फायदा होगा। NDA में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस सियासी उठापटक का आने वाला लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ना है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले JDU और भगवा पार्टी दोनों के लिए ये फायदे का सौदा होगा। यही कारण है कि BJP के सभी दिग्गज इस सियासी उठापटक के सभी पहलुओं पर मंथन करने में जुटे हैं। NDA ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब इसमें BJP, JDU और लोकसभा जनशक्ति पार्टी यानी LJP शामिल थी। अब नीतीश कुमार वापस NDA में आ गए हैं तो BJP की बिहार में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद बढ़ गई है। भगवा पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का टारगेट सेट किया है। बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराए बगैर यह लक्ष्य हासिल पाना मुश्किल होगा। BJP के लिए नीतीश और लालू एक साथ मिलकर बिहार में बड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। नीतीश कुमार तो PM मोदी के तीसरे टर्म से रोकने के लिए पूरे देश को विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने में लगे थे। उन्हीं की कोशिश से इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ था। दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार की वापसी से उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। JDU ने साल 2019 में 16 लोकसभा सीटें जीती थी। वह इस साल अपनी सीटों में सुधार करना चाहते हैं। जाति सर्वेक्षण के हथियार से लैस नीतीश राज्य में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए भव्य राम मंदिर उद्घाटन के बाद BJP के हिंदुत्व एजेंडे का फायदा जोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार का विपक्षी गठबंधन में अनुभव अच्छा नहीं रहा है। BJP के खिलाफ पार्टियों को एकजुट करने में उनकी भूमिका को कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगियों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। नीतीश को उम्मीद थी कि उन्हें विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में पेश किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उनकी राह का रोड़ा बने। उन्होंने इस भूमिका के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिका अर्जुन खड़गे को चुना। JDP प्रमुख गठबंधन में कांग्रेस की बड़े भाई वाली भूमिका और सीट बंटवारे की बातचीत में देरी से भी नाराज थे। नीतीश कुमार राज्य में BJP और RJD दोनों के जूनियर पार्टनर बनकर रह गए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को मौका देने के लिए लालू प्रसाद की पार्टी के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। तेजस्वी ने 2 बार DC के तौर पर राज्य की कमान संभाली है। अब नीतीश कुमार ने BJP के साथ आकर कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक CM के रूप में अपना पद सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा केंद्र में BJP की सत्ता में वापसी की संभावनाओं के साथ अगर भगवा पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में CM पद का दावा करने का फैसला करती है तो वह अच्छी केंद्रीय भूमिका की उम्मीद कर सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि लालू और उनके बेटे तेजस्वी बिहार में काफी जनाधार वाले नेता हैं, जबकि BJP के पास अभी राज्य में व्यापक अपील वाला कोई नेता नहीं है। BJP कई अन्य राज्यों में बिहार में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और लोकप्रियता पर निर्भर है। आपकी इस पर क्या राय है, एक बार हमें कमेंट कर जरूर बताना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।